यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने ब्रेक्जिट समझौते पर मोहर लगा दी है। अब 28 सदस्यीय ईयू ने ब्रिटेन के अलगाव के रास्ते में ब्रिटिश संसद ही बाधा रह गई है। अगर इस समझौते को ब्रिटेन की संसद की मंजूरी मिल जाती है तो अगले साल 29 मार्च को ब्रिटेन औपचारिक रूप से यूरोपीय यूनियन से अलग हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में ब्रेक्जिट समझौते पर विचार के लिए रविवार को ईयू के 27 सदस्य देशों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में ब्रेक्जिट यानी ईयू से ब्रिटेन के अलग होने के समझौते को मंजूरी दे दी गई है। वहीं ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने समझौते को देश के हित में बताते हुए राष्ट्र के नाम पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने लोगों से भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि समझौते को संसद में पारित कराने और उसे आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए वह अपने दिल और आत्मा से अभियान चलाती रहेंगी। उन्होंने समझौते को यूनाइटेड किंगडम और देश के सभी लोगों के लिए बेहतरीन भी बताया है। ब्रेक्जिट समझौते को अब ब्रिटिश संसद से मंजूरी मिलनी बाकी है। माना जा रहा है कि दिसंबर में ब्रिटेन की संसद में इस पर मतदान हो सकता है। पीएम थेरेसा के लिए समझौते को संसद में पास करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसको लेकर ब्रिटेन में सियासी घमासान मचा है।